क्या क्या डिफरेंस है शेयर में और एक डिबेंचर में। फर्स्ट जो बेसिस है वो है कैपिटल वर्सेस लोन। ए शेयर इज कैपिटल पार्ट ऑफ शेयर होल्डर आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पर जो शेयर है वो कंपनी की कैपिटल का हिस्सा होता है, जैसा कि हमने डेफिनेशन भी की हुई है कि शेयर जो है जब कैपिटल को शेयर में कन्वर्ट करना तो जो छोटे छोटे यूनिट्स में जब कैपिटल को बांटा जाता है तो वो शेयर कहलाता है। तो शेयर ऑटोमेटिकली कैपिटल का पार्ट है और जो शेयर होल्डर होंगे वो कंपनी के ओनर्स होंगे, क्योंकि जिनके पास कैपिटल होगी वही ओनर्स होंगे। तो शेयर क्या है? कैपिटल का हिस्सा। तो जो शेयर होल्डर है वो कंपनी के ओनर्स हैं। दूसरी तरफ डिबेंचर्स की बात करें तो ये डिबेंचर लोन्स पार्ट्स और डिबेंचर होल्डर आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। तो जो डिबेंचर है वो कंपनी के लोन का एक हिस्सा है, यानी कि अगर हमने कंपनी को एज ए लोन कुछ पेमेंट दी हुई है तो वो हमें डिबेंचर इशू करेंगे। यानी कि डिबेंचर एक सर्टिफिकेट की तरह होता है जिसमें जो परसेंटेज फिक्स जो होती है वो लिखी होती है। तो यहाँ पर डिबेंचर जो है वो लोन का हिस्सा है, तो जो डिबेंचर होल्डर होंगे वो कंपनी के क्रेडिटर्स होंगे, लेनदार होंगे, यानी कि जिन्हें कंपनी ने पेमेंट करनी है वो होंगे क्रेडिटर्स, यानी कि डिबेंचर होल्डर। तो डिबेंचर होल्डर कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं, शेयर होल्डर कंपनी की ओनर्स होती है, डिबेंचर लोन का हिस्सा है और शेयर कैपिटल का हिस्सा है। ये था फर्स्ट डिफरेंस। सेकेंड वन इज डिविडेंड वर्सेज इंटरेस्ट। तो यहाँ पर जो शेयर होता है उसमें डिविडेंड मिलता है, शेयर होल्डर्स को मिलता है डिविडेंड और डिबेंचर होल्डर को मिलता है इंटरेस्ट। शेयर होल्डर को मिलेगा डिविडेंड, यानी कि लाभांश जो होगा वो हमेशा प्रॉफिट पर मिलेगा। तो लाभांश मिलेगा यहाँ पर शेयर होल्डर को, यानी कि शेयर पर मिल जाएगा डिविडेंड और डिबेंचर होल्डर को मिलेगा इंटरेस्ट। जो ब्याज होगी वो हमेशा लोन पर मिलेगी और जो लाभांश होगा वो मिलेगा शेयर होल्डर्स को शेयर्स में। फ्लक्चुएट वर्सेस फिक्स। फ्लक्चुएटिंग पेड ओनली एट प्रॉफिट। तो यहाँ पर हम इक्विटी जो शेयर होते हैं उनके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। वैसे हमने डिफरेंस की बात भी की थी प्रेफरेंस और इक्विटी में, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर उसी की बात करें कि जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उन्हें जो पेमेंट होती है वो फ्लक्चुएट होती रहती है और वो प्रॉफिट पर डिपेंड करते हैं कि कंपनी को अगर ज्यादा प्रॉफिट होंगे तो वो उन्हें जो पेमेंट होगी इक्विटी शेयर होल्डर को ज्यादा होगी, यानी कि प्रॉफिट पर डिपेंड करेगा। तो वहीं अगर डिबेंचर की बात करें तो वहां पर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। जो सर्टिफिकेट इशू होता है उसमें फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले से लिखा होता है और कंपनी को चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करनी ही होगी, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। लेकिन इसमें फ्लक्चुएट होता रहेगा शेयर्स में, जैसे जैसे प्रॉफिट इंक्रीज होगा वैसे उनका जो पेमेंट होगी वो इंक्रीज होगी। फोर्थ वन इज वॉलंटरी वर्सेस कंपल्सरी रिडेम्पशन। रिडेम्पशन का मीनिंग होता है पैसों को वापस करना। तो यहाँ पर सबसे पहले शेयर के केस में बात करें तो वॉलेंट्री डिपेंडिंग ऑन कंपनी बाय बैकिंग इट्स ओन शेयर। तो यहाँ पर शेयर के केस में ये कंपनी पर डिपेंड करता है, कंपनी की इच्छा पर डिपेंड करता है कि वो अपने ही शेयर्स को बाय बैक करेगी, यानी कि जो शेयर होल्डर होंगे उन्हें एक तरह से कंपनी से अलग कर देगी, उन्हें पेमेंट दे देगी। तो पेमेंट जब उन्हें देगी तो अपने शेयर को बाय बैक करेगी। तो जब बाय बैक कंपनी करना चाहेगी यानी कि एक तरह से जो शेयर होंगे वो रिडीम हो जाएंगे जब कंपनी उन्हें बाय बैक कर लेगी। लेकिन ये वॉलेंट्री या कंपनी पर डिपेंड करेगा कि वो ऐसा करना चाहती है या नहीं। वहीं अगर डिबेंचर की बात करें तो कंपलसरी अकॉर्डिंग टू टर्म्स ऑफ इशू। तो जितने साल के लिए डिबेंचर इशू हुए हैं, 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल, तो यानी कि जितने टाइम के लिए इशू हुए हैं उसी के अकॉर्डिंग वो रिडीम होंगे। डिबेंचर के केस में रिडम्पशन जो है वो कंपलसरी है। नेक्स्ट वन की बात करें प्रायोरिटी इन पेमेंट एट वाइंडिंग अप। तो वाइंडिंग अप के केस में बात करें कि पेमेंट किसे पहले मिलेगी। तो सबसे पहले शेयर्स की बात करें तो शेयर होल्डर को डिबेंचर होल्डर के बाद में पेमेंट मिलेगी। वहीं अगर डिबेंचर होल्डर की बात करें तो उन्हें शेयर होल्डर से पहले पेमेंट मिलेगी। तो ये था प्रायोरिटी इन पेमेंट एट वाइंडिंग अप के केस में। यहाँ पर बात करें हम तो डिबेंचर होल्डर को सबसे पहले पेमेंट मिलेगी, डिबेंचर होल्डर को पहले पेमेंट मिलेगी शेयर होल्डर के मुकाबले, और शेयर होल्डर्स को बाद में पेमेंट मिलेगी डिबेंचर होल्डर के मुकाबले। नेक्स्ट वन इज अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड, यानी कि अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड की बात कर रहे हैं हम। तो हमेशा जो शेयर होते हैं उसमें हाई रिस्क होता है क्योंकि वो अनसिक्योर होते हैं,
वही अगर डिबेंचर की बात करें तो वो सिक्योर होते हैं, इसलिए उसमें रिस्क जो है वो कम होता है। जो डिबेंचर होते हैं उसमें रिस्क कम होता है क्योंकि वो सिक्योर्ड होते हैं, जबकि शेयर में रिस्क हाई होता है क्योंकि वो अनसिक्योर्ड होते हैं। नेक्स्ट वन इज इशू एट डिस्काउंट। तो यहाँ पर जो डिस्काउंट पर शेयर और डिबेंचर में क्या डिफरेंस है, बेसिस ऑफ इशू ऑफ डिस्काउंट पे, तो रिस्ट्रिक्शन एज पर सेक्शन 53 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। तो जो कंपनी एक्ट 2013 है वो कहता है कि शेयर कभी भी डिस्काउंट पर इशू नहीं होंगे एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर सेक्शन 54। तो यहाँ पर सिंपली बात करें तो जो भी शेयर्स होते हैं वो कभी भी डिस्काउंट पर इशू नहीं होते, वहां पर शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू करने की मनाही होती है एज पर सेक्शन 53 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। लेकिन सेक्शन 54 के अकॉर्डिंग स्वेट इक्विटी शेयर ही एकमात्र ऐसे शेयर हैं जो कंपनी डिस्काउंट पर इशू कर सकती है, लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है इसलिए इसे हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। सिंपली अगर बात करेंगे इशू एट डिस्काउंट की तो यहाँ पर शेयर्स के मामले में होगी रिस्ट्रिक्शन डिस्काउंट पर इशू करने में, जबकि यहाँ पर डिबेंचर को डिस्काउंट पर इशू किया जा सकता है, वहां पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं है। नेक्स्ट वन की बात करते हैं वोटिंग राइट। वोटिंग का राइट होगा शेयर होल्डर्स को, है वोटिंग राइट एट कंपनीज मीटिंग। तो जब भी कंपनी की मीटिंग होगी तो शेयर होल्डर को वोट डालने का अधिकार होगा, जबकि डिबेंचर होल्डर को नो राइट ऑफ वोटिंग, डिबेंचर होल्डर को वोट डालने का कोई भी अधिकार नहीं होगा, सिर्फ शेयर होल्डर को ही कंपनी की मीटिंग में वोट डालने का अधिकार होगा। तो ये थे 9 पॉइंट जो बेसिस के अकॉर्डिंग काफी अच्छे माने जाते हैं अगर हमें डिफ्रेंशिएट करना हो शेयर और डिबेंचर में। यहाँ पर जो हमने बात की वोटिंग राइट की, इसी से हम बना सकते हैं पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। तो अगर वोटिंग राइट सिर्फ शेयर होल्डर को मिलेगा तो मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट सिर्फ शेयर होल्डर कर पाएंगे, डिबेंचर होल्डर को अधिकार नहीं होगा पार्टिसिपेट करने का। डिबेंचर होल्डर को ना तो वोटिंग का अधिकार होगा ना ही मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट का अधिकार होगा। वहीं अगर बात करें शेयर होल्डर की तो इन्हें वोटिंग राइट भी होगा और पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट भी होगा। नेक्स्ट एंड 10th पॉइंट इज कन्वर्जन। कन्वर्जन के बेसिस पर बात करें तो इक्विटी शेयर होल्डर को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर हमने जो भी डिफरेंस की बात की है कंप्लीट, ये इक्विटी शेयर होल्डर के अकॉर्डिंग बात किया तो इक्विटी शेयर्स को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। प्रेफरेंस शेयर को हालांकि कन्वर्ट कर सकते हैं लेकिन उसकी बात हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। तो वही अगर डिबेंचर की बात करें तो डिबेंचर को कन्वर्ट किया जा सकता है शेयर्स में, लेकिन शेयर को कन्वर्ट नहीं किया। तो ये थे 10 पॉइंट। उसके अलावा एक पॉइंट हम लिख सकते हैं ओनर्स का नेम क्या होगा। तो जिनके पास शेयर होंगे वो शेयर होल्डर होंगे, जिनके पास डिबेंचर्स होंगे वो डिबेंचर होल्डर होंगे। लेकिन अगर आपको ये पॉइंट लिखना है तो ये पॉइंट सबसे पहले लिखना होगा, लेकिन ये बहुत बेसिक सा पॉइंट है, इन्हें हम ना लिखे इस पॉइंट को तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, लेकिन फिर इस पॉइंट को सबसे ऊपर लिखना होगा। बाकी मेनली ये जो 10 पॉइंट थे यही काफी सही है पॉइंट और इम्पोर्टेंट भी है ये टॉपिक की डिफ्रेंशिएट करना होता है शेयर और डिबेंचर में। तो यही था इस वीडियो में टॉपिक समझाया, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को विजिट करना ना भूलें, काफी सारे डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियो डाली हुई है। इसके अलावा जो दूसरा चैनल है थोड़ी स्टडी, उस पर भी काफी सारी वीडियोस हैं, चाहे वो ईवीएस हो, इकोनॉमिक्स हो, इंग्लिश हो या कॉर्पोरेट लॉ हो, तो उसे भी विजिट करना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।